दूसरा क्वेश्चन कर्णी में 1 - sin a अपन 1 + sin a बराबर sec a - tan a प्रूव करना है। पहले उठाएंगे हम LHS को, कर्णी या √1 - sin a अपन 1 + sin a। अब इसका रेशनलाइजेशन या परिमेयीकरण कर लिए, 1 - sin a अपॉन 1 - sin a रूट में। अब इसको ऐसे इसको एक रूट के अंदर लाएंगे, 1 - sin a 1 - sin a अपॉन 1 + sin a 1 - sin a ये ना। ये क्या हो जाएगा, रूट में 1 - sin a का होल स्क्वायर, a + b इंटू a - b, यानी कि 1 - sin² a, a² - 1 a + b इंटू a - b बराबर हो जाएगा a² - b² ये स्क्वायर से ऊपर वाला एक रूट कर्ण ही खत्म, यानी कि बचेगा 1 - sin a, नीचे रूट में 1 - sin² a, 1 - sin² a हो जाएगा 1 - sin a, रूट में ये हो जाएगा cos² a, cos² a बराबर 1 - sin² a होता है। ठीक, 1 - sin a ऐसे ही रह जाएगा, नीचे की स्क्वायर से कर्णी खत्म, यानी कि cos a। अब इसको दो भाग में बांटे हैं, 1 upon cos a - sin a अपॉन cos a, इसका मान कितना हो जाएगा, 1 upon cos a sec a माइनस साइन ए अपॉन cos a tan a। प्रूफ, cosec a upon cosec a minus 1 plus cosec a upon cosec a plus 1, 2 sec² a। फिर LHS लेंगे, LHS उठाएंगे तो पहले क्या करेंगे, cosec a minus 1 प्लस cosec a plus 1, ये ले लिया हमने LHS। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जोड़ेंगे। चलिए जोड़ते हैं, cosec a - 1 इंटू cosec a + 1, इसका तिरछा गुणा करते हैं, cosec a plus 1 प्लस इसका इसका गुणा कर लिया, cosec a - 1। cosec a into cosec a cosec² a प्लस cosec a प्लस
कॉसेक मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉसेक ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो वन का स्क्वायर, इससे ये कट गया, टू कॉसेक स्क्वायर ए आएगा। अब यहाँ हम लिखते हैं टू कॉसेक स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए माइनस वन। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस वन बराबर होता है कॉट स्क्वायर ए, इसकी जगह आप रखेंगे कॉट स्क्वायर ए। टू कॉसेक स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए, टू साइन स्क्वायर ए की वन अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। नीचे कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, इससे ये कट जाएगा, आएगा टू अपॉन कॉस स्क्वायर ए, टू इंटू वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा टू सेक स्क्वायर ए, ये है आर एच एस के बराबर। उफ, एक क्वेश्चन और इससे देखेंगे, उसके बाद से इसको बंद कर देंगे। चौथा क्वेश्चन है आज का, कॉसेक ए कॉट ए प्लस टैन ए बराबर कॉस ए, एल एच एस कॉसेक ए कॉट ए प्लस टेन ए। कॉसेक को लिख सकते हैं वन अपॉन साइन ए, कॉट को लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए, साइन ए टेन को लिख सकते साइन ए अपॉन कॉस ए, ये हो जाएगा वन अपॉन साइन ए, नीचे जोड़ेंगे साइन ए इंटू कॉस ए, इसका इसके गुणा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू हो जाएगी वन, तो वन अपॉन साइन ए और नीचे हो जाएगा वन अपॉन साइन ए इंटू कॉस कॉस ए, इसको क्या लिख सकते हैं वन अपॉन साइन ए और ये ऊपर हो जाएगा गुणे साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन वन, साइन ए कट गया, बचा कितना कॉस ए जो कि आर एच एस के बराबर है।